गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया 6 मार्च के लिए सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संप्रेटर ने काठमांडू में आयोजित नेपाल के सेनाध्यक्ष यानी के CUS यानी के नेपाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका एक ओपन मैराथन था एंड रन फॉर फन जो कि काठमांडू में हुआ था, जो कि 10 किलोमीटर की रेस थी, तो वो रेस किस इंडियन ने स्प्रिंटर ने जीती है भाई? तो भाई ये रेस जीतने वाले हैं शशांक शेखर, और एट प्रेजेंट वो जो है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की कंटेजेंसी है, जो कि एम्बेसी ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया की एम्बेसी है काठमांडू में वहाँ पर तैनात है। तो उन्होंने जो है ये 10 किलोमीटर की रेस जीती है, नाम क्या था? रन फॉर फन, जो कि काठमांडू में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती है तो भाई इसमें तीनों फॉर्मेट काउंट हो जाते हैं भाई, चाहे वो ODI हो, टेस्ट हो या फिर T20 हो। तो ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं, कैसा भाई? 500 सिक्स लगाने वाले, तो ये है नन अदर देन क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था सिक्सर मशीन, ठीक है? तो ये बुक भी एग्ज़ाम में पूछी गई थी एक बार, आई थिंक कोई स्टेट एग्ज़ाम था पटवारी का, उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। उसके बाद है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2019 जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि जिस दिन हम प्रमोट करते हैं क्या चीज़? इक्वालिटी। और पहली बात तो ये कि हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते कब? भाई 1 मार्च को मनाते हैं। और इसमें अवेयरनेस क्या फैलाई जाती है कि भाई किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का, चाहे उसका एज है, सेक्स है, जेंडर आइडेंटिटी है, रेस है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज होगी, ज्योग्राफी लोकेशन हो गया, माइग्रेंट स्टेटस हो गया, यानी कि किसी भी तरह से, चाहे इवन के वो HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी भी तरह का, जैसे मैंने इतनी चीज़ों का नाम ले लिए हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर हर एक के लिए सेम होगा। तो इस बार का थीम था भाई एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग नीटवेयर सेक्टर अंडर विच स्कीम, यानी कि जो हमारा कपड़ा मंत्रालय है तो उसने किस योजना के तहत बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र विकसित करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, यानी कि जो भी नीटवेयर यानी कि जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं तो उनको उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो कपड़ा और भी ज़्यादा बिक सके, तो उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है भाई। स्कीम का नाम क्या है? पावर टेक्स इंडिया। और हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है टेक्सटाइल के लिए? ये हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लीजिएगा साथ में। आफ्टर डैट, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्टर टू फंड साइंस प्रोजेक्ट, यानी कि साइंस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर कौन है भाई? प्रकाश जावड़ेकर जी। तो उन्होंने एक 250 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है किस चीज़ के लिए? ताकि अबाउट 500 से ज़्यादा साइंस प्रोजेक्ट हैं जो स्कूल्स के अंदर यूज़ होते हैं, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं रिसर्च के अंदर साइंस प्रोजेक्ट यूज़ होते हैं, तो उसमें जो है एक स्टार्स नाम से जो है एक स्कीम चलाई है जिसके थ्रू इसको फंड किया जाएगा। और ये स्कीम जो है नेशनल साइंस डे के ओकेजन पे लॉन्च की गई। नेशनल साइंस डे कब होता है भाई? ये मनाते हैं हम 28 फेब को। और स्टार्स का आपको पता ही है भाई, मोदी गवर्नमेंट आती है कोई स्कीम लाती है तो कोई ना कोई उसका एक्रोनियम जरूर होता है। तो इस स्टार्स का एक्रोनियम क्या है भाई? ये है स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली पुल्ड अप विच गवर्नमेंट टू एन एक्ट विच अलो कंस्ट्रक्शन इन अरावरी हिल्स। आपको पता है अभी अरावरी हिल्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले अलो हो गया था, अब उस प्रोजेक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो सरकार जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगी। कौन सी सरकार है भाई? ये है हरियाणा गवर्नमेंट। आपको पता है अरावरी हिल्स जो है ओल्डेस्ट माउंटेन्स हिल, यानी कि ओल्डेस्ट अगर मैं बात करूँ पर्वत श्रृंखला है अरावली। और ये इसलिए किया है क्योंकि वो जो है कंस्ट्रक्शन जो है जो उसका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसको जो है हार्म पहुँचा सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को इसके लिए मना ही कर दिया, रोक दिया गया है।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंस्ट्रक्शन होगी भाई तो वहाँ का फॉरेस्ट जो है वो ख़राब होगा। ख़राब करने का मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो ख़राब होगा। अब मान लीजिए एक जगह पे फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह की आपको वन्य जाति देखने को मिलेंगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर होते हैं डिफरेंट कैटेगरी के वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो जंगल नष्ट करके, मान लीजिए अगर आप ट्राई भी करते हैं कि नई जगह पे अगर जंगल बना दें, वहाँ पे आप पेड़ पौधे तो उगा लेंगे लेकिन जो अलग तरह की कैटेगरी के जानवर मिलते थे, कीट पतंगे मिलते थे, वो एकदम से नहीं हो पाएंगे, उसको टाइम लगेगा वहाँ पे डेवलप होने में। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो आंसर होगा हरियाणा। उसके बाद है RBI हैव साइंड ए $75 बिलियन बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट विद विच कंट्री सेंट्रल बैंक। तो RBI तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का नेशनल बैंक होगा, सेंट्रल बैंक, और जो एग्रीमेंट किया है बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट का जो कि $75 बिलियन का है, ये किया है जापान के साथ। ठीक है, जापान के साथ किया है किस पर्पस के लिए, ताकि एक ग्रेटर स्टेबिलिटी लाया जाए इसके फॉरेन एक्सचेंज में। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी देश से हमको सामान जो है ख़रीदना होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो फॉरेन एक्सचेंज से जो है वहाँ से, क्योंकि हर देश की करेंसी अलग है तो वही करेंसी में वो सामान खरीदा जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई इंडिया जो है उसको इंडियन करेंसी में पे करेगा और वो जो है उनकी करेंसी जो कि येन है उसमें इंडिया को देगा। पे करने का मतलब क्या है, इतने रुपए देगा। तो इससे क्या हो सकता है कि इससे जो है वो अपने फॉरेन रिजर्व जो हैं वो स्टेबल कर पाएंगे और इंडिया येन से अपना फॉरेन जो एक्सचेंज है इनके वो स्टेबल कर पाएगा। हालांकि ये एग्रीमेंट लास्ट ईयर 2018 के अंदर साइन हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट अब हो गया है। तो ये हुआ है जापान के साथ, और जापान के PM कौन है भाई, ये है मिस्टर शिंजो आबे। उसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज अलनेगा 2019। तो ये अभी 12 से 25 मार्च तक भाई होगी, तो इंडिया और किस कंट्री के साथ ये होने वाली है जॉइंट बायलेटरल एक्सरसाइज, तो भाई ये होगी ओमान के साथ। और इसमें दोनों देश के जो आर्मीज हैं एक्सचेंज करेंगे अपनी टेक्निक्स, यानी कि अपनी किस तरह से वेपन को हैंडलिंग करना है, फायर करना है, यानी कि किस तरह से उस वेपन को यूज़ करना है जो भी अवेलेबल है, तो इनके बारे में देखा जाएगा। एक बार मैं आपको ओमान दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में। तो भाई अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप इस तरफ से अरेबियन सी की तरफ से जाएंगे तो जो रेड स्पॉट है ये आपको डेफिनेटली दिखा रहा है ओमान के बारे में, यानी कि ओमान किस तरफ पड़ता है और इसकी कैपिटल क्या है, ये है मस्कट है। अगर मैं इस तरफ देखूँ तो ये पड़ता है UAE, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पड़ता है यमन, इसको यमन भी बोलते हैं। इस तरफ है गल्फ ऑफ ईडन, ये है रेड सी, पर्शियन गल्फ ऊपर की तरफ है, और गल्फ ऑफ ओमान, इसका नाम जो है ओमान के पास है इसलिए गल्फ ऑफ ओमान पड़ा है। उसके बाद है इसरो ने लॉन्च किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन विच क्लास, यानी कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 के अंदर। तो इस प्रोग्राम का नाम है भाई युवा विज्ञानी कार्यक्रम या फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया जाएगा 9th क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद अभी एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है भारत मोहन अधिकारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जो, वो किस नेशन के थे ये, तो ये बिलोंग करते थे भाई नेपाल से, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी नेपाल के अंदर, और ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग भी करते थे। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे मूवमेंट भी चलाए थे जिसके कारण इनका जो है पॉलिटिक्स में करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। तो ये था आंसर होगा नेपाल। तो भाई जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये है प्लाज्मा है, और फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन कौन था इंडियन क्रिकेट में, तो ये थे लाला अमरनाथ जी। तो भाई आज के क्वेश्चन क्या है आपके, बाहर था मैं ऐड नहीं कर पाया लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल बट ट्रिकी होगा। क्वेश्चन क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एट प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, आगे मैं लिखने लग गया था बाई मिस्टेक, नहीं लिखा मैंने। उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं श्री रामनाथ जी कोविंद हैं, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये दो क्वेश्चन तो ये हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एट प्रेजेंट जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा है, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं जो भी हैं वो, यानी कि आज के क्वेश्चन क्या हो गए आपके, तीन हो गए, प्राइम मिनिस्टर कौन से नंबर के हैं, प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं, और कौन से नंबर की लोकसभा है। तो ये तो आपके तीन क्वेश्चन थे जिनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है।
तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दें। फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।